हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीनियर सर्च का प्रोग्राम देखेंगे यूजिंग रिकर्सन सी प्लस प्लस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है या आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोग्राम पर। तो सबसे पहले आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक एरे है। इस एरे में से हम एरे को यूज़र से इनपुट करवाएंगे और इसमें से हम किसी भी आइटम को सर्च करेंगे यूजिंग रिकर्सन फंक्शन सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले तो हम मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और एरे यूजर से इनपुट करवाते हैं। तो इंट मेन, मेन फंक्शन क्रिएट कर लिए। अब क्या करेंगे हम, इंट ए 8 दे देते हैं, हम 8 एलिमेंट देंगे। आइटम यानी जिस आइटम को सर्च करना है, आई दे देते हैं फॉर लूप के लिए। और इंडेक्स एक वेरिएबल देते हैं जिसमें हम शो करेंगे किस पोजिशन पर मेरा एलिमेंट है। यूजर को मैसेज देते हैं हम सी आउट इंटर एरे एलिमेंट्स, और यहाँ हम एक इंडेल लगा देते हैं, यानी नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट लाइन में हो। सिंपल, अब फॉर लूप लगाएंगे आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 8, 8 एलिमेंट है, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट दे दिए। यहाँ मैसेज देते हैं यूजर को, आप किस पोजीशन में वैल्यू को इनपुट करो। जब सर्चिंग करेंगे तो हम देखेंगे उस पोजीशन पे है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो मैसेज देते हैं यूजर को इंटर एलिमेंट्स इन पॉकेट, पॉकेट हम एक बना देते हैं यहाँ पे। और ये आपका जो वैल्यू होगा वो आई के हिसाब से ही होगा, यानी आई का जो लोकेशन होगा वही आपका इंडेक्स नंबर होगा। सिंपल, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिन फंक्शन से उसको स्टोर कर देते हैं एआई में। ये हम एरे इनपुट कर दिए, इनपुट करने के बाद एरे को प्रिंट भी कर देते हैं। तो हम प्रिंट करते हैं सी आउट एरे एलिमेंट्स आर, यहां एक हम इंडेल लगा देते हैं। सिंपल हो गया। अब क्या करना है, तो प्रिंट करना है, तो फॉर लूप लगाएंगे उसके लिए हम फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 8, आई प्लस प्लस सी आउट ए आई, स्पेस लगा देते हैं इसके साथ। क्लियर, हम एरे को इनपुट कर दिया, एरे को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में आते हैं, मेन फंक्शन से हम आते हैं रिकर्सन फंक्शन में। यहाँ हम रिकर्सन देते हैं लीनियर, फंक्शन का नाम दे दिए, और जिस एरे में हमें सर्च करना उसको एज ए वेरिएबल पास करेंगे। इंटीजर टाइप एरे है तो एरे हम दे दिए ए आई, ए जो एरे जिस एरे को सर्च करना है, और आइटम है तो इंटीजर टाइप ही आइटम है, इंट आइटम और इंट एस। ये साइज ऑफ एरे जो होगा उसको हम दे दिए, यानी लेंथ ऑफ एरे ये -1 होगा चूंकि जीरो से काउंटिंग है इसके लिए। अब क्या करना है, हम यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं, इफ एस लेस देन 0, 0 से नीचे है जब जाएगा, इसका मतलब उसमें एलिमेंट है ही नहीं। तो उस कंडीशन में आप क्या करो, रिटर्न करो -1। सिंपल, उसके बाद इफ ए एस इक्वल टू आइटम, यानी आइटम अगर फाउंड होता है तो रिटर्न सेम इंडेक्स को आप रिटर्न करो, यानी एस को रिटर्न कर दीजिए। क्लियर, रिटर्न फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम दिए थे हम लीनियर। सबसे पहले तो एरे देंगे, फिर जिस आइटम को सर्च करना है तो आइटम दे देते हैं, और कॉमा में हम देते हैं एस -1, यानी जो साइज ऑफ एरे होगा वो एक एक करके घटेगा। क्लियर, पहले हम सर्चिंग कर लेते, उसके बाद इसको समझेंगे। अब क्या करना है हमें, सिंपल यूजर को मैसेज देते हैं हम एक सी आउट इंटर सर्च आइटम, सर्च आइटम जिस आइटम को हम सर्च करना चाहते हैं उसको हम यूजर से इनपुट करवा ली, इनपुट करने के लिए मैसेज दिया, और उसको सिन फंक्शन से हम इनपुट आइटम में
स्टोर कर दिए। अब इंडेक्स वेरिएबल लाते हैं हम, इंडेक्स इक्वल टू हम कर देते हैं लीनियर, जो फंक्शन हम क्रिएट किए थे उसको कॉल किए, ए एरे का नाम, फिर जिस आइटम को सर्च करना है आइटम, और साइज ऑफ एरे यहाँ 8 है तो हम देंगे 7 माइनस 1 होगा किस लिए, चूंकि 0 से काउंटिंग होता है इसके लिए यहाँ सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ इंडेक्स इक्वल टू अगर माइनस 1 आता है, अगर वैल्यू माइनस 1 आता है इसका मतलब क्या है, आइटम है ही नहीं, तो सी आउट आइटम नॉट फाउंड, एल्स सी आउट आइटम फाउंड एट इंडेक्स, यानी जो इंडेक्स का वैल्यू होगा वो सी आइटम इंडेक्स पे वो आपका आइटम फाउंड हुआ। अब सबसे पहले तो हम वैल्यू देते हैं, वैल्यू हम एक यहाँ से देख लेते ताकि समझने में आसानी होगा, 8, 9, 15 और 18, फिर 7, 20, 12 और 16। इसमें से हमें सर्च आइटम, किस आइटम को सर्च करना है, तो हम 7 को अगर सर्च करना चाहते हैं तो 7 दे दिए, तो 7 किस इंडेक्स पे, तो है आइटम फाउंड एट 4, फोर्थ पोजीशन पे हम 7 को देख सकते हैं, यहाँ 4th है, ये 0 से काउंटिंग है। अगर आप 0 से काउंटिंग नहीं दिखाना चाहते हैं, 1 से काउंटिंग दिखाना चाहते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे आप इंडेक्स प्लस 1 कर देना है ताकि 1 से काउंटिंग, क्लियर। अब हम सबसे पहले तो समझते हैं, जो जैसे ही हम लीनियर सर्च प्रोग्राम को पूरा समझेंगे, पहले हम क्या है यहाँ पे आपका 7th पोजीशन है और ये 0 है, क्लियर। जब सर्चिंग होगा तो सर्चिंग में हम देख सकते हैं यहाँ फंक्शन में, रिकर्सन फंक्शन में s माइनस 1, यानी इफ a, सबसे पहले चेकिंग क्या होगा, साइज ऑफ एरे 0 है, 0 से नीचे है या नहीं, तो नहीं है चूंकि, तो उस कंडीशन में क्या होगा माइनस 1, अगर नहीं है तो रिटर्न माइनस 1 होगा, चूंकि ये साइज ऑफ एरे 0 से ज़्यादा है 8 है, तो उस कंडीशन में नेक्स्ट चेकिंग में आएगा इफ ए एस इक्वल टू आइटम, जो s यानी s का वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ एरे, यानी लेंथ ऑफ एरे आपका क्या है 7 होगा, 8 है माइनस 1 यानी 7 होगा, 7th पोजीशन पे हम सर्च किसको कर रहे हैं, 7 को, तो सर्च चूंकि 7 को कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या है, 7th पोजीशन पे 16 है, यानी 16 इक्वल टू 7 चूंकि नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, फंक्शन मेरा फिर से कॉल होगा, चूंकि कॉल होगा तो s माइनस 1 यानी आपका इंडेक्स जो साइज ऑफ एरे वो हो जाएगा 6, फिर 6 पे फिर से चेकिंग होगा 12 इक्वल टू 7 चूंकि नहीं है, फिर से फंक्शन कॉल होगा और आपका s माइनस 1 यानी 5th पोजीशन पे आ जाएगा, 5th पोजीशन में जैसे ही आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, 20 इक्वल टू 7 नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर से फंक्शन कॉल होगा और आपका s का वैल्यू क्या होगा माइनस 1 होगा और 4th पोजीशन पे आएगा, चूंकि इस कंडीशन में क्या है 7 इक्वल टू 7 यानी 7 मेरा फाउंड हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा रिटर्न करेगा इसको, अगर नहीं फाउंड होता तो आपका 10th तक जाता, और इसमें भी अगर नहीं फाउंड हो रहा है जैसे ही माइनस में जाता है आपका रिटर्न हो जाए, लेस देन 0 जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा रिटर्न होगा और माइनस 1 प्रिंट करेगा, यानी आपका एरे में जो हम सर्च कर रहे हैं आइटम वो नॉट फाउंड है। तो इस तरह हम आसानी से लीनियर सर्च से C++ में किसी भी आइटम को सर्च कर सकते हैं। थैंक फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।